नीट यूजी एग्ज़ाम के लिए आपने 11th 12th मेहनत कर चुके हैं कड़ी, और इज इक्वल टू एग्ज़ाम से पहले वाले ये 30 डेज, और इज इक्वल टू वो एग्ज़ाम के दिन के 3 घंटे, 180 MCQ, 720 मार्क्स। इसमें कौन सी टिप्स और ट्रिक यूज़ करें कि आप 400, 500 या 600 मार्क्स के स्टूडेंट्स हो तो उसमें प्लस हो जाए, और जैसे इंडिया ने श्रीलंका के सामने फाइनल मैच में 15 रन करने थे और उनके पास सिर्फ 5 बॉल थी और जीत गए। आइए सबसे पहले वो वीडियो दिखाता हूँ और फिर बात। तो अब 5 बॉलों में 15, धोनी ने 6 मार दिया, वाह वाह, और हमारी जाम कमेंट्री कर रही है उसकी छत के ऊपर गेंद आके गिरा। क्या शॉट, क्या प्लेयर है, प्रेशर में क्या लाजवाब छक्का रिसीव किया है, और ये तो आप बात कुछ बनती हुई, 9 रन और 4 बॉल। MS धोनी फिर से तैयार है बड़ी शॉट के लिए। कवर के ऊपर से 4 रन मिलते हैं या नहीं मिलते, शायद 4 रन, MS धोनी जवाब नहीं है। 5 रह गए और 3 रन, जैसे के कैलकुलेटर फिट है, गेंदे 5 रन जीत से दूर, सिर्फ एक शॉट की बात है, यहां एक बाउंड्री भी निकल आई तो स्कोर बराबर हो जाएगा। हमला फिर होगा, MS धोनी तैयार, सीधी शॉट, 6 रन, फ्लैट, भारत फाइनल जीत गया, भारत फाइनल जीत गया, MS धोनी जीत गए। जैसे हमने देखा MS धोनी, इंडिया ने श्रीलंका के सामने 15 रन करने थे 5 बॉल में मात्र, जो नामुमकिन था वो मुमकिन करके बताया। वैसे आप भी अपनी नीट एग्जाम में इन 30 डेज की प्लानिंग स्ट्रेटजी, टिप्स एंड ट्रिक्स और 3 घंटे की स्ट्रेटजी जो मैं आपके साथ लाइवली जूम पे जुड़ के बताने वाला हूँ, उस वर्कशॉप में ज्वाइन कीजिएगा, तो आप भी उसकी तरह बिना कोई टेंशन स्ट्रेस चौके पे छक्के लगा सकते हैं। इस वीडियो के साथ दी गई लिंक पे जाइए और आज ही रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए वर्कशॉप के लिए, लाइव वर्कशॉप के लिए, और वो वर्कशॉप डेफिनेटली आपके लिए जो है वो लाइफ चेंजिंग रहेगा। थैंक यू वेरी मच।